जय हिंद दोस्तों। बदलते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ने लग गई हैं। ये सब हमारे बदलते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन एक शोध में पता चला है कि बढ़ती हीट वेव कम कर सकते हैं ये पक्षियों की जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में ग्रीष्म लहर का भारी प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसका असर पर्यावरणीय हिस्से पर पड़ रहा है। ग्रीष्म लहरों के प्रभाव को लेकर एक पर्यावरण अध्ययन में पक्षियों पर शोध किया गया, जिसमें गर्मी का पक्षियों के बर्ताव और उनके शरीर पर असर देखा गया। पड़ताल में पाया गया, दरअसल गर्मी ने जेब्रा पिंच पक्षियों के टेस्टिंग की सैकड़ों जीन्स की गतिविधियों पर असर डाला, लेकिन मस्तिष्क को काफी कम प्रभावित किया। इससे ये साफ होता है कि गर्मी से मस्तिष्क पर कम प्रभाव होता है। और जी हाँ दोस्तों, इस अध्ययन में पक्षियों के जलवायु परिवर्तन का सामना करने की क्षमता के बारे में भी अध्ययन किया गया, जिससे पाया कि शिकागो की लॉयला यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर सारा लेपर्स सुजू ने इस बारे में काफी जानकारी इकट्ठी की है। उन्होंने बताया कि गर्मी के बर्ताव और शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी प्रभावों की अधिकांश जानकारी पानी के जीवों व धरती के ठंडे खून वाले जीवों से मिलती है, लेकिन धरती के स्तनपायी जानवरों और पक्षियों के लिए भी ये ग्रीष्म लहर बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है। जी हाँ दोस्तों, तो इस अध्ययन में यह पाया कि पक्षियों में जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने की भी क्षमता होती है, और वो नर जो हीट चैलेंज के दौरान जल्दी आपने लगे, उन्हें मस्तिष्क और टेस्टिस की जीन गतिविधियों पर सीमित प्रभाव पड़ा। तो अगर पक्षियों की जनसंख्या बढ़ा दी जाए तो धरती पर हीट वेव को कम किया जा सकता है। कैसी लगी है जानकारी? लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।